A cell of EMF 1.5 volt having a finite internal resistance. तो एक सेल की 1.5 की EMF है और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ है. इज कनेक्टेड टू अ लोड ऑफ 2 ओम. तो 2 ओम के लोड से कनेक्टेड है. फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल शुड बी. तो वो कह रहा है कि उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए. तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम बेसिकली स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम देख लेते हैं कि पावर का क्या कैसे. पावर मैक्सिमम तब होगी जब उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल होगी लोड के. ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की इक्वल होगी. वो भी समझा देता हूँ कैसे. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास पावर होती क्या है. पावर का रिलेशन हमारे पास ईएमएफ के केस में बनता है ई स्क्वायर आर डिवाइड बाय आर माइनस स्मॉल आर प्लस 4 आर आर. ठीक है, अब इस केस में पावर को मैक्सिमम करने के लिए हमारे पास जो नीचे वाला फैक्टर है ये स्मॉलेस्ट होना चाहिए. तो ये स्मॉलेस्ट कब होगा, जब अगर हम इसको ज़ीरो कर दें. ठीक है, या इन दोनों में से एक फैक्टर को हमें ज़ीरो करना पड़ेगा. तो उसमें अगर हम इसको ज़ीरो कर दें तो हमारे पास पावर मैक्सिमम होगी, क्योंकि हमारे पास जो डिवाइड हो रहा है वो मिनिमम हो जाएगा. तो वो तभी ज़ीरो होगी जब, यानी अगर हम आर माइनस आर को ज़ीरो रखें तो आर इक्वल टू आर बन जाएगा हमारे पास. तो यानी कि हमारे पास लोड रेजिस्टेंस 2 ओम थी तो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी 2 ओम ही होगी. तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर बनता है बीटा